सो गुड इवनिंग गाइस, बहुत दिनों के बाद मुलाकात हो रही है एंड आई होप आप सब हेल्दी होंगे, अच्छे होंगे, खुश होंगे और आबाद होंगे। सो ये कहना था मुझे कि थैंक यू सो मच, आपने जो मेरे पिछले वीडियो में प्यार बरसाया है और जिस तरीके से आपने लाइक किया है, थैंक यू सो मच, दिल से बोल रहा हूँ, इट मीन्स अ लॉट। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा हो तो आई बटन में लिंक आ रही होगी, आप जाके देख सकते हो ये वीडियो देखने के बाद। और ऐसे ही यार प्यार करते रहो, मोटिवेशन मिलता है, सब्सक्राइब करते रहो और अप्रिशिएट करो, अच्छे अच्छे कमेंट्स लिखो, बुरे कमेंट्स भी आते हैं बट ठीक है यार, बुरे कमेंट्स को हैंडल करना भी अब सीखना पड़ेगा, मेरे लिए सब नया नया है बट चलता है। तो आज हम बात करते हैं विनोद के बारे में। कौन है ये विनोद? कोई मुझे प्लीज बताएगा ये विनोद का क्या सीन है? विनोद कौन है? विनोद विनोद तल्ला है। कौन है विनोद? थाले तले घल में घुस के मालूमा हु इज द फकिंग विनोद। हु इज विनोद? विनोद कौन है जो विनोद ओपी चल रहा है ना वो है कौन ये बंदा लेकिन इतना फेमस सिर्फ विनोद इसी तरीके से आ रहा है। बस क्या, आई लव यू ना। विनोद कौन है बे? कौन है ये विनोद? विनोद सेलिब्रिटी है अपना भाई। ए विनोद, विनोद क्या लगा के रखा है बे? ए विनोद नहीं हूँ। ए विनोद फोन देना। हाँ ये ले। मैं विनोद नहीं हूँ। सर जहाँ देखो विनोद 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 हर जगह पे स्पैम हो रहा है विनोद। तो विनोद थारू करके एक अपने भाई थे, पता नहीं कहाँ है बट स्टिल वो उन्होंने क्या किया कि स्लीप पॉइंट करके एक चैनल है, उन्होंने मतलब अपने एक वीडियो बनाई होगी, तो उनका नाम विनोद थारू है। तो विनोद थारू ने अपना एक कमेंट छोड़ने का उनको दिल किया उस दिन, तो वो गए स्लीप पॉइंट के वीडियो पे। और वीडियो पे जाके उन्होंने क्या किया, सोचा, बहुत सोचा होगा उन्होंने कि भाई मैं क्या लिखूँ क्या लिखूँ क्या लिखूँ, अच्छा तो वीडियो है बट कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या लिखूँ मैं। तो उन्हें फिर एट दी एंड उन्होंने सोचा कि यार चलो कुछ समझ नहीं आ रहा है, अपना नाम ही लिख देते हैं। तो उन्होंने लिख दिया अपना नाम, विनोद थारू ने कमेंट किया विनोद। और फिर क्या हुआ भाई, स्ले पॉइंट ने जब रिएक्ट करना शुरू किया कि चलो देखते हैं किसने क्या क्या कमेंट लिखे हैं अपने उनके वीडियोस पे, तो उन्होंने जब देखा कि भाई एक विनोद थारू नाम के एक बंदे ने अपना नाम लिख दिया है कमेंट में विनोद, जैसे एक वीडियो देख के विनोद थारू बोले विनोद, बस विनोद, 7 लोग इस कमेंट की विनोदता से इम्प्रेस हो गए और उसको 7 लाइक भी मिली है। मतलब कुछ नहीं था उस कमेंट में, कुछ भी नहीं था और 7 लाइक्स भी थी। अब भगवान जाने उस कमेंट में लाइक करने जैसा क्या था या क्या नहीं था, बट वो लाइक्स उसको मिलने लगी। और वहाँ से भाई ये विनोद भाई ने अपना क्या कहते हैं रफ्तार पकड़ी, और वो आज का दिन है कि हर जगह विनोद ही चल रहा है। मतलब आप किसी का भी कोई भी अच्छे यूट्यूबर का देख लो, कमेंट सेक्शन पढ़ लो या लाइव स्ट्रीम पे चले जाओ, हर जगह विनोद स्पैम हो रहा है। तो लोग सोच रहे कि यार मतलब ये है क्या विनोद? तो विनोद कुछ भी नहीं है भाई, मतलब विनोद एक नॉर्मल सा कमेंट था जो क्या कहते हैं पकड़ में आ गया लोगों के और वो ट्रेंड कर गया। तो विनोद भाई ट्विटर पे भी ट्रेंड कर रहा है अभी और यूट्यूब पे तो मतलब स्पैम हो रहा है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया पाकिस्तान और बांग्लादेश में या फिर अपने एशियन कंट्रीज आजू बाजू में ये सब कमेंट्स चल रहे हैं, ये कमेंट और ये विनोद इंटरनेशनली ट्रेंड कर रहा है, मतलब आउट ऑफ एशिया भी ट्रेंड कर रहा है। आप मतलब वो देखना कि जेबी करके एक चैनल है जो रिएक्ट करते हैं, रिएक्शन चैनल है, वो भाई भी जब स्ट्रीम करने बैठे थे तो विनोद ट्रेंड कर रहा था वहां भी। विनोद, what does विनोद people keep saying? What does that mean? मतलब उनके लाइव स्ट्रीम पे भी विनोद 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 करके लोग स्पैम करना शुरू कर दिया था।
और दूसरा एक है अपना क्या नाम था उनका यार, गेमर्स थे तो वहाँ पर भी, मतलब इंटरनेशनल गेमर था, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, तो वहाँ पर भी विनोद स्पैम होने लग गया था। What the hell is Binod? What is this? Why is everyone spamming it? और मतलब हद है यार, मतलब किसी के भी कमेंट पे या किसी के भी लाइव स्ट्रीम पे जाके आप कुछ भी ऐसा फालतू में विनोद विनोद लिखोगे तो किसी को भी अजीब लगेगा। और वो भाई उन लोग को तो पता भी नहीं है विनोद क्या है, इंटरनेशनल यूट्यूबर्स की बात कर रहा हूँ मैं जो बाहर के हैं, तो उनके लिए तो भाई ये सब नया था, तो वो विनोद देख के वो परेशान हो गए। मतलब ये तो उनको भी डाउट होने लगा कि ये क्या यूट्यूब का ग्लिच हो रहा है या क्या हो रहा था, बट कुछ नहीं, बस छोटा सा उनको भी, उन्होंने भी आई थिंक रिसर्च तो किया ही होगा कि क्या है ये विनोद, तो पता चल ही गया होगा कि ये कुछ नहीं है भाई, बस ऐसे ही स्पैम मार रहे थे लोग। सो यही था विनोद की हिस्ट्री, और यही बताना था मुझे आपको कि क्या है ये विनोद। तो बस अगर आपको ये थोड़ी बहुत भी इंफॉर्मेटिव लगी हो वीडियो तो लाइक कर दो, और थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो और मेरी मधुर आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हो तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो। कर सकते हो क्या यार, कर ही दो भाई साहब, ऑफिस से निकल के भी वीडियोस बनाने आता हूँ यार। तो अभी और क्या बात करें, हम बात करते हैं, देखिए ये ज़ेब्रा क्रॉसिंग पे लोग खड़े हैं, शायद आपको दिख रहे होंगे, वो रहे गलत है भाई, ये लाइन का इको बनाई है सरकार ने, ऐसी डिज़ाइन डेकोरेशन के लिए तो है नहीं है। फॉलो करो भाई, कितने बार बोले यार, कितने बार। चलो सिग्नल खुला नहीं फिर भी लोग आगे दौड़ रहे हैं, दौड़ने दो। और भाई देखो मास्क वास्क पहन रहे हो कि नहीं पहन रहे, नहीं पहन रहे तो पहनना शुरू कर दो, और सैनिटाइज यूज नहीं कर रहे हो तो करना शुरू कर दो। पता नहीं वैक्सीन कब तक आ रही है, मुझे तो नहीं पता। तो दैट्स इट, सब्सक्राइब एंड मज़े मारो भाई लाइफ में, और सब्सक्राइब कर देना यार। टाटा, सी यू, टेक केयर, स्टे हेल्दी, स्टे फिट एंड राइड सेफ।